काले बादल आ गए एकदम से। हाँ जी, क्या हाल है जी? वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग भाई, जय श्री राम। और भाई ये देखो, व्यू से उठते हैं, ऐसे नहीं उठते बिना व्यू के। और भाई इस व्यू से उठने के चक्कर में ना, बिल्कुल 10 मिनट पहले अभी आके उठाया है सबको कि भाई, क्योंकि ना हमने जो ये लिया था हॉस्टल, वो ना उसमें मतलब दो ऑप्शंस थे, एक विदाउट ब्रेकफास्ट और एक विद ब्रेकफास्ट। अब हमने क्या सोचा कि 200-200 रुपये ऊपर देके और ब्रेकफास्ट वाला ही ले देते हैं और कर देंगे सारा इनका वसूल। लेकिन अब भाई जस्ट उठा हूँ अभी और बस फटाफट नीचे रश करना है, भागना है फटाफट। और वैसे तो मेरे को कायदे से ब्लॉग भी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि हर मिनट काउंट होती है अभी, बट स्टिल देख रहे हो एफर्ट्स, एक एक चीज़ मेरे को दिखाने का वो है शौक। तो भाई सीन अपना हो चुका है अभी चेंज, बाकी सारे लोग मतलब अब अलग अलग हो गए हैं। हम यहाँ भर रहे हैं भाई बाइक रेंट लेके, हम निकल रहे हैं धनोल्टी, तो हम भर रहे हैं उसका फॉर्म। और भाई हम फटाफट बाइक पसंद कर लिया हमने, उसके बाद निकल रहे हैं बस जल्दी से। भाई ये वाली बाइक है अपनी, देख रहे हो बजरंगी, ये वाली बाइक है। और अब बस भाई यहाँ से तैयार होके मतलब मैप वैप खोल कर निकल रहे हैं। तो भाई अभी सीन ऐसा है कि ना धीरे धीरे निकल रहे हैं वाटरफॉल के लिए, और वो फिर उसके बाद ओके जल्दी जाएंगे शाम को। और मनीष भाई का भी कुछ कंफर्म नहीं है, और मैं और वर्णिका हम जा रहे हैं धनोल्टी, क्योंकि थोड़ा यार अभी 2-3 महीने से काम ही काम इतना ज़्यादा हो रहा था ना, तो अब एक बार ही मैं सोच रहा हूँ ऊपर धनोल्टी भी हो ही आता हूँ। उसके लिए हमने बाइक ली है ये वाली रेंट पे, और भाई बस ये ऋषिकेश वाला क्रॉस करना है, उसके बाद ऊपर तो मौसम मस्त है, इसीलिए मैंने बाइक ली है कि भाई ऊपर मौसम का मज़ा आ जाएगा बाइक पर। तो भाई आ गए हैं अपने बढ़िया बढ़िया खुले खुले रास्ते, और भाई अब मज़ा आ रहा है, ऋषिकेश पीछे छोड़ा है बहुत, मतलब अब आ रहे हैं रास्ते साफ खुले। और अभी ना थोड़ी देर में जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, मतलब थोड़ी देर में जब धूप कम हो जाएगी थोड़ी, तो उसके बाद टेम्परेचर अभी और डाउन होता चलेगा। तो जी हम पहुंच चुके हैं चंबा, और ये चंबा का मेन चौक है। अब हमें यहाँ से जाना है इधर की तरफ लेफ्ट साइड, तो धनोल्टी रह जाएगा फिर उसके बाद थोड़ी सी दूर, और फिर हम मतलब 20-25 किलोमीटर रहेगा, फिर उसके बाद पहुंचते हैं हम धनोल्टी राइज। ये देखो, देख लो भाई, ये है तो अपनी चंबा की मार्केट। वो गाना नहीं है, माई ये नहीं मेरी ये शिमले दी राहें चंबा कितनी वे दूर, ज़्यादा दूर नहीं है भाई, चंबा पास में ही है, चाहो तो ईजिली आ सकते हो तुम लोग। और भाई अब यहाँ से बस फटाफट निकल के हमें अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचना है, क्योंकि मुझे अब और ना हवा अब ठंडी होने लग गई है, और मुझे बस अच्छा मौसम चाहिए एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि भाई थोड़ा ना अब कुछ, जैसे मैंने आपको बताया अभी था कि काफ़ी कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है अभी मेरी लाइफ में, तो उसके लिए मैं सोच रहा था वाई नॉट एक फ्रेश स्टार्ट, बढ़िया सा घूम के आते हैं पहाड़ों पर, उसके बाद फिर ग्रांड तो घिसवानी है खैर पूरी लाइफ उसका, तो क्या ही सीन है। ये देख लो भाई, पहाड़ी बच्ची आ रही हैं स्कूल से पढ़ के। तो जी हम अभी रुके हैं रास्ते में एक जगह मैगी वगैरह खाने के लिए थोड़ा, क्योंकि यहाँ आए और मैगी ना खाई तो क्या खाया। तो भाई हमने ऑर्डर दे दिया है मैगी का और मोमोज का। और भाई एक चीज़ दिखाऊँ, दिखा दूँ पक्का, देखो अभी दिखाता हूँ। अरे अरे भागो 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 भागो, ये देखो भाई, ये लो। भाई मस्त मौसम एकदम से चेंज्ड, और भाई एकदम बढ़िया वाला हिसाब हो गया, अब वहाँ ऊपर हाइट पे बैठ के खाएंगे, मज़ा आ जाएगा लाइफ का। क्रेविंग कराऊं क्रेविंग, ये लो, ये देखो भाई मैगी मोमोज मैगी चाय व्यू जंगल जंगली, और बाइक भाई मज़ा आ गया भाई, मतलब मौसम बढ़िया हो रहा है। अब यहाँ पे एक बढ़िया सा कैंप वाले भैया भी आ गए, तो कैंप देखेंगे एक बढ़िया सा, और फिर उसमें रुकते हैं। भाई कॉटेज दिखाऊं तुम्हें अपना, एक नंबर, रुको ये देखो भाई, ऐसा कुछ है एक कॉटेज भाई अपना, छोटा सा स्वीट सा मेरा। और ये भाई अपना बाथरूम है इनका, मतलब ठीक बना हुआ है यार वैसे तो, है ना। और भाई मेन चीज मेरे बेडरूम से मेरा व्यू देखो, कितना सही सीन आ रहा है भाई। अभी बस जस्ट सो के उठा हूँ मैं, ये देखो फ्रेश फ्रेश मतलब बढ़िया बढ़िया फूल भाई, ये आपके लिए ठीक है ये, है ना। चलो
भाई ठिठुर गया था यहाँ पे, अभी मैं कुछ खाने वाने का बोल के आया हूँ उसके साथ। भाई भाई बहुत जोर से ठंडी लग रही है यार, बहुत जोर से ठंड लग रही है भाई। यहाँ पे टेम्परेचर देखा है मैंने, अभी 11 डिग्री है, तो रात को तो बुरा हाल हो जाएगा। तो मैंने बोला है भाई ये को जो लोई आती है ना, लोई मंगवाई है मैंने एक, अब बस रजाई में घुसना पड़ेगा। एक और मस्त चीज़ दिखाऊँ, आज सत्यानाश होने वाला है, दिख गया मेरे को। ये देखो भाई काले बादल आ गए एकदम से, इतने सारे बल्क में होलसेल रेट में आ गए भाई, और फुल गुड़ 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 भी हो रही थी अभी, बादल गरज रहे थे। जो तो आज बारिश हो गई तो फिर आज सीन बन जाएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं जैकेट वैकेट भी नहीं लेके आया हुआ हूँ आज। अब बस फटाफट भाई पहले कुछ खा लूँ, और भाई यहाँ से है ना ये ट्रैक का रास्ता भी जाता है ऊपर ना, मतलब अभी यहाँ से दिखेगा क्या, नहीं यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, तो कल सुबह सुबह शायद, या फिर कल ऊपर ट्रैक जाके ना, ये 2 किलोमीटर का ट्रैक है, उसके बाद ना एक सनसेट पॉइंट है, तो उस सनसेट पॉइंट पे जाके वो ट्रैक ख़त्म होता है। और भाई जो मतलब मज़ा बनेगा ना, अभी अभी देखो गुड़ गुड़ सुन रही होगी, गुड़ गुड़ कह रहा हूँ मतलब बादल गरजने की आवाज़ है। अब भाई बस फटाफट कुछ खा लूँ और फिर भाई अपना रजाई पकड़ रहा हूँ मैं तो। खाना आ चुका है अपना, अब ये ना खा के पहले हमारा ये प्लान था कि बाहर बैठ के खाएंगे आराम से ठंड में, बट इतनी देर में चिली पनीर ना चिल्ड पनीर हो जाता, तो अब क्या सीन है, फटाफट एक बार जैसे तैसे खाना अंदर डाल के और अपने अपने कॉटेज में जाके अपनी अपनी रजाई में घुस जाएंगे भाई। क्योंकि अगर आज वो जो लोई मंगवाई थी ना मैंने, वो लोई भी नहीं है, तो क्या सीन है कि अगर अब ज़्यादा बाहर रहा ना मैं और कल अगर तबीयत हो गई ख़राब, तो कल का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, जो अपना सुरकंडा माता के टेंपल में जाने का है और उसके बाद टेरी डैम पे जाने का है भाई। ठीक है भाई, इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड, ठीक है ना भाई, और व्लॉग को लाइक करना भाई, कमेंट करना, और भाई चैनल सब्सक्राइब करना। चलो ठीक है, मिलते हैं जी।